सुनना, नेक्स्ट पीरियड आ रहे मैम का है, हम सब बंक कर रहे हैं। क्या सब बंक कर रहे हैं? तो और क्या, सब जा रहे हैं, तू चल रही है ना? मतलब मैं अकेली रह जाऊंगी? चल मैं भी चलती हूँ फिर। मम्मी, टेंथ का रिजल्ट तो आ गया, अब मैं सोच रही थी आगे ह्यूमैनिटीज लेके फैशन डिजाइनिंग। बेटा इसमें सोचने का क्या है, फैमिली में हम सब ने साइंस लिया हुआ है, तुम्हारा परसेंटेज भी 96% है, फिर तो तुमको साइंस लेना चाहिए ना। हाँ आप सही बोल रहे हो, और वैसे मेरे फ्रेंड्स भी साइंस ही ले रहे हैं, मैं साइंस का ही फॉर्म भरती हूँ, मैनेज हो जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट श्रेयांका एंड वेलकम टू ब्रेन्स वंडर। आज हम बात करेंगे कन्फॉर्मिटी के बारे में। वेल, हम सब ये बात जानते हैं कि हमारे बिलीव्स, ओपिनियंस, थॉट्स और हमारे एक्शंस हमारे आसपास के लोग यानी कि हमारी सोसाइटी के थॉट्स और एक्शंस से इन्फ्लुएंस होते हैं, हम इसे सोशल इन्फ्लुएंस कहते हैं। कन्फॉर्मिटी भी इसी प्रकार का एक सोशल इन्फ्लुएंस है, जिसमें हमारे थॉट्स और एक्शंस हमारे सोसाइटी के गाइडलाइंस, रूल्स, नॉर्म्स या उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही इन्फ्लुएंस होते हैं। कन्फॉर्मिटी है तो एक टाइप का सोशल इन्फ्लुएंस ही, लेकिन सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स और रूल्स को फॉलो करना आफ्टर ऑल हमारा ही चॉइस होता है। हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे यहाँ एक नया फोन लॉन्च हुआ है और वो काफ़ी पॉपुलर हो गया है। अब अगर आप भी यही डिसाइड करते हैं कि आपको वही फ़ोन यूज़ करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोग आपके फ्रेंड्स फैमिली उसी फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, और अगर उनके बीच में आप उसे ना यूज़ करें तो थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है, तो फिर आप कन्फर्म कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी करंट लॉकडाउन की सिचुएशन में आपने नोटिस किया होगा कि कई लोग अपने घर से बाहर निकल जाते हैं। उन्हें देखकर अगर उनके नेबर्स भी घर से बाहर निकलने लग जाते हैं तो वो एक कन्फॉर्मिस्ट है, यानी कि वो बाकियों को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने नेबर्स को देखकर फॉलो नहीं कर रहे हैं और वो अपने घर के अंदर ही है, हम उन्हें नॉन कन्फॉर्मिस्ट कहते हैं। तो फिर नॉन कन्फॉर्मिस्ट होते कौन हैं? जब लोग अपने डिसीजंस को लेते वक्त सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स और रूल्स को हर वक्त फॉलो नहीं करते हैं, तब वो नॉन कन्फॉर्मिस्ट कहलाते हैं। यूजुअली हम ऐसे लोगों को रिस्क टेकर्स बोलते हैं, क्योंकि उनका डिसीजंस और उनके चॉइसेस बाकियों के कंपैरिजन में काफ़ी डिफरेंट होते हैं। हमारे सोसाइटी में एक नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट होना एक बड़ी बात होती है, क्योंकि एक नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट होने के लिए काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस का ज़रूरत होता है, और हमारी सोसाइटी में एक कलेक्टिविस्टिक कल्चर को फॉलो किया जाता है, जिसमें लोग अपने नीड्स को दूसरों के नीड्स के बाद रखते हैं, यानी कि लोग दूसरों को अपने से ज़्यादा वैल्यू करते हैं। तो फिर कन्फॉर्मिटी सही है या गलत? दोस्तों, मान लेते हैं कि हम एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहां हमें नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए, तब अगर हम बाकी लोगों से सीखकर उन्हें फॉलो करके अपने डिसीजंस लेते हैं तो वो सही है, क्योंकि इससे कन्फॉर्मिटी के थ्रू हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली, कन्फॉर्मिटी के थ्रू हम अपने कल्चर को अपने अंदर इन्वाइट करते हैं और हम मॉरल हैबिट्स भी सीखते हैं। जैसे कि हम सब ये बात जानते हैं कि जब हमारे घर पे कोई बड़े या कोई एल्डर आते हैं तब हम उन्हें प्रणाम करते हैं या नमस्ते करते हैं, हम ये कन्फॉर्मिटी के थ्रू ही सीखते हैं। हम अपने सोशल ग्रुप से इसलिए भी कन्फॉर्म करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम भी उसी ग्रुप में बिलोंग करते हैं और हम भी उस ग्रुप का पार्ट है। लेकिन अगर हम हमारे हर एक डिसीजंस में बाकियों को ही फॉलो करते रह जाएंगे तो हम हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी यानी कि खुद की आइडेंटिटी को खो सकते हैं। हम अगर हर वक्त सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को फॉलो करते रहेंगे तो हम कन्वेंशनल हो सकते हैं, यानी कि हमें कुछ यूनिक नहीं रहेगा और हम कुछ नया नहीं कर पाएंगे। कई बार कन्फॉर्मिटी की वजह से हम पीयर प्रेशर में आ जाते हैं और हम गलत एक्टिविटीज या गलत डिसीजंस लेने लग जाते हैं, और जो लोग कन्फर्म नहीं करते हैं हम उन्हें या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर उन्हें क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। दोस्तों, मुझे ये लगता है कि किसी भी डिसीजन को लेने से पहले हमें कॉन्शियसली ये सोचना चाहिए कि क्या हम कन्फर्म कर रहे हैं या नहीं,
और क्या हमें कन्फर्म करना चाहिए या नहीं। वेल, हम सब ये बात जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम किसी भी ग्रुप में बिलोंग करें और इसीलिए हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो कि हमारे सोशल ग्रुप या जो कि बाकी हमारी सोसाइटी लेती है। लेकिन मैंने कई बार ये भी नोटिस किया है कि काफ़ी लोग जो सक्सेसफुल होते हैं उन्होंने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अनकॉमन या यूनिक डिसीजंस तो लिया ही होता है। आपका इस मैटर पर क्या ओपिनियन है? क्या कन्फर्मिटी सही है या गलत? आप अपने व्यूज कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आप ये वीडियो जहाँ भी देख रहे हैं उसे लाइक या हार्ट देना ना भूलें और ब्रेन्स वंडर चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर।